इस बार जनता ने कर दिया बड़ा खेला। एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर। किसका ओवर कॉन्फिडेंस होगा लूज, कौन होगा कंफ्यूज। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर 7 चरणों में मतदान हुआ था। इस बार जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था, तो वहीं बीजेपी ने छोटे छोटे दलों को एनडीए में शामिल किया था। लोकसभा चुनाव से पहले अपना दल सुभाषपा, निषाद पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल एनडीए में शामिल हो गई थी। वहीं 2019 की बात करें तो इसमें सपा, बसपा, आरएलडी का गठबंधन था और कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा था। हालांकि गठबंधन के बावजूद सपा बसपा ज्यादा सीटों पर जीत हासिल नहीं कर पाई थी, तो वहीं जहां गठबंधन ने सिर्फ 15 सीटें जीती थी, वहीं बीजेपी ने अकेले 62 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं अपना दल को 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। चुनाव में मिली हार के बाद सपा बसपा का गठबंधन जो था टूट गया था, लेकिन आज जो रुझान सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। आपको बता देते हैं कि सारी सीटों पर क्या कुछ रुझान सामने आ रहे हैं। बात करें मैनपुरी सीटों की, तो मैनपुरी सीटें सपा प्रत्याशी डिंपल यादव जो हैं 11,000 वोटों से आगे चल रही हैं। इस सीट पर बीजेपी की ओर से जया वी ठाकुर मैदान में हैं। अमेठी से कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा आगे चल रहे हैं और इस सीट से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो हैं, जो कि भाजपा से खड़ी हैं, वो पीछे चल रही हैं। उत्तर प्रदेश की मेरठ सीट की अगर बात करें तो मेरठ सीट से अरुण गोविल जो हैं, जो जिन्होंने राम का किरदार निभाया था, वो पीछे चल रहे हैं और इस सीट पर समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार सुनीता वर्मा जो हैं, वो आगे चल रही हैं। नगीना सीट से निर्दलीय प्रत्याशी चंद्रशेखर आगे चल रहे हैं, जबकि बीजेपी प्रत्याशी ओम कुमार, सपा प्रत्याशी मनोज कुमार पीछे चल रहे हैं। बात करें ये शुरुआती रुझानों की, तो वहीं गाजियापुर लोकसभा सीट की अगर बात करें तो मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी जो हैं वो आगे चल रहे हैं। सहारनपुर से कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद पहले राउंड की काउंटिंग के बाद आगे आ गए हैं। वहीं बात करते हैं अमेठी सीट की। बता दें कि अमेठी सीट से भाजपा से स्मृति ईरानी खड़ी थी, तो स्मृति ईरानी जो हैं वो पीछे चल रही हैं। मेरठ से अरुण गोविल जो हैं वो पीछे चल रहे हैं। आगरा से एसपी सिंह बघेल और सुल्तानपुर से मेनका गांधी जो हैं आगे चल रही हैं। आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ की सीट से निरहुआ और घोसी सीट से अरविंद राजभर पीछे चल रहे हैं। फतेहपुर लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो फतेहपुर लोकसभा सीट से सपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जो हैं वो पीछे चल रहे हैं और इस सीट पर साध्वी निरंजन ज्योति जो हैं वो आगे हैं। नोएडा से बीजेपी प्रत्याशी महेश शर्मा और मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल जो हैं वो आगे चल रही हैं। अब अगर बात करें कैसरगंज सीट की, तो बता दें कैसरगंज सीट जो है ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को दी गई है, यानी कि करण भूषण सिंह को। ऐसे में ये भी देखना दिलचस्प होगा कि जो दबदबा कायम ब्रजभूषण शरण सिंह का था, तो क्या वही दबदबा करण भूषण सिंह जो है कायम रख पाते हैं या फिर नहीं। लेकिन बताते चले कि कैसरगंज सीट पर करण भूषण सिंह जो हैं वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। शुरुआती रुझानों में अगर आजमगढ़ लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो आजमगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव जो हैं वो पीछे चल रहे हैं और इस सीट पर सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव आगे चल रहे हैं। फिरोजाबाद सीट की अगर बात की जाए तो फिरोजाबाद सीट से सपा प्रत्याशी जो हैं अक्षय यादव वो आगे चल रहे हैं और वहीं घोसी से ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर पीछे चल रहे हैं। शुरुआती रुझानों में वाराणसी सीट की अगर बात की जाए तो वाराणसी सीट में पीएम मोदी जो हैं इस वक्त आगे चल रहे हैं। रायबरेली से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। कन्नौज से अखिलेश यादव। अगर गोरखपुर सीट की बात की जाए तो भोजपुरी स्टार रवि किशन आगे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट पर पोस्टल बैलेट की काउंटिंग जो है पूरी हो चुकी है। इसमें बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप चौधरी सपा उम्मीदवार इकरा हसन से आगे चल रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।